हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सात क्लासेस। और ये क्लास सेवन का चैप्टर नंबर 13 है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, तो जो कि आज हम कवर करने वाले हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि एक्सपोनेंट्स पावर क्या होता है और कहाँ इसको हम यूज़ करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड पावर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना कि सिर्फ क्लास सेवन के लिए बल्कि क्लास एट, नाइन्थ एंड टेंथ के लिए हैं। आप देखेंगे क्लास एट्थ में भी ये चैप्टर रिपीट होगा, तो बेटर रहेगा कि हमारे लिए कि इसको यहीं पे क्लियर आउट कर लें। जो भी इसके फॉर्मूलाज हैं, जो भी इसके लॉज हैं, वो इसको हम यहाँ पे क्लियर आउट कर लें और ये चीज़ आगे तक कैरी आउट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि इसका यूज़ कहाँ है, इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ ये एप्लीकेबल होता है। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर मैं कहूँ अर्थ का मास कितना है, मास ऑफ द अर्थ, तो इट केम आउट टू बी समथिंग लाइक दिस। बहुत बिग नंबर है ये, बहुत सारे जीरोज हैं। चलिए आगे देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। और मास ऑफ यूरेनस अगर मैं पूछूं, तो इट विल केम आउट टू बी अनदर वेरी लार्ज नंबर, मैनी जीरोज आर देयर, ओके, दिस मच ऑफ केजी। प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आई, प्रॉब्लम मैथमेटिशियन को यहाँ पे आई। अगर मेरा अगला जो क्वेश्चन है, अगर मैं कहूँ कि इन दोनों में से किसका मास बड़ा है, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ, तो इतने लार्ज नंबर को हम कंपेयर करेंगे तो यानी हमें काउंट करना पड़ेगा, और काउंट करना बहुत टीडियस जॉब हो जाएगी, बहुत टायरिंग जॉब हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई इतना बड़ा नंबर है, उसको हम एक छोटे फॉर्मेट में करके लिख दें। अगर इतने बड़े नंबर को अगर हम शॉर्टर फॉर्मेट में लिख दें, तो वो बहुत बेटर रहेगा। तो इसलिए ही हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर, क्योंकि वो काम आता है हमारे कोई बड़ा नंबर छोटा करने के लिए। तो प्रॉब्लम हमारे पास क्या थी कि अगर मास अगर दोनों के बड़े हैं, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत आ गई थी हमारे लिए। लेकिन एक्सपोनेंट्स पावर ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और इतने बड़े नंबर को हम शॉर्टर फॉर्मेट में लिखने लगे। देखते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे मैंने कहा ये यूज़ होते हैं कोई भी लार्ज नंबर को शॉर्टर फॉर्मेट में लिखने के लिए। ये इसकी डेफिनेशन भी हो जाएगी, वी कैन राइट लार्ज नंबर इन शॉर्टर फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट्स। एक एग्जाम्पल और देखते हैं नेक्स्ट। अगर मैं आपको एक नंबर लिख लेता हूँ 1 लाख, ओके, यहाँ पे 5 जीरोज हैं 1 के बाद, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 × 5 टाइम। अगर मैं 10 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इट विल बी इक्वल टू 1 लाख, वेल एंड गुड। अगर अगर मैं एग्जाम्पल ने छोटा ही लिया, लेकिन इसको अगर मैं और शॉर्टर फॉर्मेट में करके करना लिखूँ, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आई कैन राइट 10^5, यानी 10 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5। ये जो 10 है, इसका भी एक नाम होता है और 5 को भी एक नाम कहते हैं देते हैं, वो हम देखते हैं। इसका नाम हो जाएगा जो नीचे डिजिट होगा, यहाँ पर नीचे डिजिट 10 है, तो इसका नाम हो जाएगा बेस, ओके, और जो डिजिट ऊपर है 5, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, या फिर पावर्स, या फिर इंडेक्स। इन तीनों में से आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट बोल सकते हैं इस 5 को, या पावर, या फिर इंडेक्स, ऑल थ्री आर करेक्ट। और जो नीचे नंबर होगा उसे हम बोलेंगे बेस, जो ऊपर नंबर होगा छोटा सा सुपर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ, उसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंट, ओके। अब ये देखते हैं ये पढ़ा कैसे जाएगा, हाउ कैन आई रीड दिस। तो उन्होंने मैथमेटिशियन ने एक नोटेशन बनाया, इसको हम पढ़ेंगे 10^5, 10^5, या अगर और कोई नंबर होता 5 की जगह 3 होता तो 10^3। तो इस तरीके से हम इसको रीड आउट करेंगे, या फिर दूसरे वे में 5th पावर ऑफ 10, बोथ आर करेक्ट। देखते हैं एग्जाम्पल देते हैं। अगर मैं लिखता हूँ एक्सपोनेंट 10^7, इसको मैं कैसे रीड आउट करूँगा, 10^7, इसका मतलब वो कि 10 7 times मल्टीप्लाई हो रहा है। आई कैन राइट लाइक दिस, 10 को 7 times हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 10 × 10 × 10 × 10, और इट केम आउट टू बी दिस नंबर, ओके। सो इसलिए इसका रिवर्स प्रोसेस है, एक्सपोनेंट को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, 2^5, यानी 2 को मुझे 5 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 times, इट केम इक्वल टू 32, बिकॉज 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 16 = 32, इट केम आउट टू बी 32। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 3^3, यानी 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, एंड आंसर विल बी 27। आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल और। अब देखते हैं ये हमारे पास दो नंबर बहुत कॉमन होते हैं, 2^2, इसको मैं बोल सकता हूँ 7^2, या जिसकी भी पावर अगर 2 है, मेन हमें कंसंट्रेट करना है इस 2 पे। अगर किसी की पावर 2 है, इसको मैं रीड आउट करूँगा 7^2, क्योंकि नीचे 7 है इसलिए 7^2। अगर नीचे हमारा 3 होता 7 की जगह, तो 3^2,
मेन चीज़ ये है कि अगर जहाँ भी टू होगा उसको हम स्क्वायर कर देंगे, बोल लेंगे, और अगर थ्री होगा तो क्यूब्ड, सेवन क्यूब्ड, आई विल कॉल इट सेवन क्यूब्ड। तो इसको ये रीड आउट करने का फॉर्मेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग भी हो जाता है क्वेश्चन से, इसमें ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं। व्हेन द बेस इज ए नेगेटिव इंटीजर, यानी अगर हमारा बेस, अभी तक तो हम पॉजिटिव इंटीजर ले रहे थे बेस को, लेकिन अगर बेस हमारा नेगेटिव इंटीजर हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आती है, देखते हैं। पहले इसको देखते हैं कि यहाँ पर देखिए ये टू की जगह माइनस टू आ गया, यानी बेस मेरा क्या हो गया, माइनस टू। इसका क्या मतलब होता है, तो कुछ स्टूडेंट थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़ होने की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हुआ कि माइनस टू को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अभी तो हम अगर प्लस टू है तो प्लस टू को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर मैं माइनस टू को 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा। कैसे करूँगा वो देख लेते हैं। यानी अगर हम ये हम यहाँ कहाँ देखेंगे, जब हमारा बेस क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यानी माइनस टू का 3 बार मल्टीप्लाई, माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू। अब आपको मल्टीप्लीकेशन तो पता है, टू इंटू टू इंटू टू, टू टू द फोर, फोर टू द एट, यानी आंसर तो 8 आएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम आती है साइन की, माइनस साइन लगाऊंगा या फिर प्लस 8 आएगा। ओके, तो देखते हैं, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो आंसर विल बी -8। बस यहाँ पे हमें केयरफुल रहना होगा कि साइन के लिए, कि आंसर हमारा -8 आएगा या प्लस में आएगा, ठीक है, जब नेगेटिव बेस होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, -3 को मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसको मैं लिखूंगा -3 इज मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, ठीक है। आप देखेंगे 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। अब आंसर 81 तो आएगा, लेकिन 81 प्लस का होगा या माइनस का, यहाँ पर ये थोड़ा सा हमें चेक करना पड़ेगा। चेक करते हैं, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू प्लस इज प्लस, देन आंसर विल बी +81। बस यहाँ पे बेस नेगेटिव होगा, आपको बस ये ध्यान रखना है कि हम प्लस लगाएं या फिर माइनस लगाएं। एक और देखते हैं आगे, ये हमारा एक रूल है नेगेटिव बेस के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप यहीं पे क्लियर आउट कर लीजिए, आगे तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ईजी रूल है, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना होगा। देखते हैं ये रूल क्या कहता है। ये रूल पहले तो अप्लाई होगा जब बेस हमारा क्या होगा, नेगेटिव बेस होगा, पहली बात, ठीक है। तो पहला रूल देखते हैं, पहला रूल कहता है कि अगर हमारा कोई भी नेगेटिव बेस है, जैसे -1 ले लिया फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मेन बात स्टूडेंट्स खाली साइन के बारे में हम बात करेंगे कि साइन प्लस होगा या माइनस होगा इस वाले पेज पर। चलिए, अगर हमारा कोई पावर ऑड पावर है, अगर हमारे माइनस बेस है और पावर क्या है, कोई ऑड नंबर है, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, अगर ऑड नंबर पावर है तो आंसर साइन हमेशा क्या आएगा हमारा, नेगेटिव आना है साइन, ठीक है। ये बात ध्यान रखें, साइन हमारा क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा जब यहाँ पे पावर किसी नेगेटिव बेस की ऑड होगी। अगला आता है, अगर हमारी पावर हुई इवन, उस केस में क्या होगा, उस केस में पॉजिटिव आएगा। अगर पावर इवन हुई, ओके, अगर पावर इवन हुई तो क्या आएगा हमारा, इवन नंबर आएगा, सही है। ये बात आप याद रखिए, ऑड के केस में माइनस और इवन पावर के केस में प्लस आएगा। यहाँ पे साइन की बात हो रही है इस पेज पे, बस ये बात ध्यान रखें, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पुराना ही एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने अभी पहले किया था, हमने लिखा था -2 रेस्ट टू द पावर 3, ओके। तो अब देखिए ये पावर क्या है हमारी, ऑड पावर है, ये पावर क्या है, ऑड। तो बस समझ जाइए कि आंसर मेरा नेगेटिव में आना है, क्योंकि अगर नेगेटिव ऑड पावर होगी तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव में, और 8 का क्यूब होता है हमारा माइनस, 8 का क्यूब इज 8, और माइनस साइन माइनस क्यों है, क्योंकि पावर हमारी क्या है, ऑड है, ठीक है, पावर हमारी ऑड है, इसलिए साइन क्या आ गया, नेगेटिव का। अगर पावर इवन होती, ये एग्जाम्पल पुराने एग्जाम्पल है, हमने देखा था कि पावर क्या है यहाँ पे, इवन पावर है, इवन पावर के लिए रूल क्या था, आंसर पॉजिटिव में आएगा और मल्टीप्लीकेशन करके आप निकाल ही लेंगे जो आपने निकाला था। तो हमने देखा था यहाँ पे क्या आया हमारा, पॉजिटिव। तो ये बात हमें साइन बताता है, ये पावर ऑड या इवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको यहीं पे क्लियर आउट कर लीजिए, क्योंकि 8th में सेम चीज़ आपको रिपीट होने वाली है थोड़ा सा हाई लेवल में। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, अगर आपको क्वेश्चन आया कि सर ये तो बहुत बड़ी पावर है, लेकिन आपको खाली हम साइन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ की बात नहीं हो रही है, तो आप कह देंगे सर देखिए पावर क्या है, 23, 23 इज एन ऑड नंबर, ओके, जब नंबर ऑड होगा साइन क्या आएगा, नेगेटिव, तो यानी आंसर नेगेटिव में ही आएगा, वैल्यू कुछ भी आ जाए वो अभी कंसिडर नहीं कर रहे, लेकिन आएगा वो नेगेटिव में, क्योंकि पावर क्या है मेरी, ऑड। तो यही होता है रूल फॉर नेगेटिव बेस। आगे बढ़ते हैं, अगर हमारे पास a इंटू ए लिखता हूँ, a को कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार, तो इसको हो गया ए स्क्वायर, और इसको रीड करूंगा ए स्क्वायर्ड, या फिर रीड करूंगा a रेस टू द पावर 2।
अगर ए को मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको लिखूंगा ए रेस टू द पावर 3। ए कोई भी नंबर है, इंटीजर है, रीड एज ए क्यूब्ड और ए रेस टू द पावर 3। इसको मैं इस तरह रीड करूंगा। अगर ए को मैं 4 बार मल्टीप्लाई कर दूं इसको करूंगा ए रेस टू द पावर 4। ओके, अगर इसमें देखिए ए भी हैं और बी भी हैं। ए कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स? ए मल्टीप्लाई हो रहा है 4 बार और बी मल्टीप्लाई हो रहा है 3 बार। तो मैं इसको स्मॉल फॉर्मेट में करने के लिए लिखूंगा ए रेस टू द पावर 4, क्योंकि ए 4 मल्टीप्लाई हो रहा है और बी 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बी रेस टू द पावर। देखते हैं अब कुछ क्वेश्चंस हैं, दो एग्जांपल्स हैं, जल्दी से इसको देख लेते हैं। पहला देखते हैं, अगर आपको एग्जाम में आता है कि आपको एक कोई नंबर दिया है और उसको एज ए पावर 2 में एक्सप्रेस करना है, यानी 2 की पावर में एक्सप्रेस करना है, यानी बेस हमारा 2 होगा। इसका मतलब क्या हुआ? बेस 2 रहना चाहिए और 2 की पावर हमें बतानी है कितनी बार इसको हम मल्टीप्लाई करें 2 को, जो 128 आ जाए। सॉल्यूशन सिंपली, आप डिवीजन आपको आता है 128 की, स्टार्ट डिवाइडिंग बाय 2, क्योंकि बिकॉज 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। वी स्टार्ट डिवाइडिंग बाय 2, वी गेट दिस आंसर, अगेन डिवाइडेड बाय 2, 4 से किया, फिर आंसर आया हमारा 1, यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। अब 2 कितनी बार आया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 आया 7 टाइम्स, यानी 2 को मैंने लिख दिया 7 बार। तो इसको शॉर्ट में कैसे कैसे लिखता हूँ? 2 रेज टू द पावर 7। तो यानी 128 को मैंने एक्सप्रेस कर दिया एज ए पावर ऑफ 2। ओके, ये कंपैरिजन के क्वेश्चन आते हैं। अगर इसमें कंपैरिजन में आपको बताया जाए कि इसमें से कौन सा बड़ा है, 2 रेज टू द पावर 7 बड़ा है या फिर 7 रेज टू द पावर 2, तो इसको फ्रेंड क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है कि इसको हम पहले सॉल्व कर लें, एक्सपेंड कर लें इसकी नॉर्मल फॉर्म में, फिर उसको हम कंपेयर कर सकते हैं ईजिली। ऐसे हम आंसर देख के नहीं बता सकते। तो हमें पता है मेथड, 2 रेज टू द पावर 7 को मैं लिख सकता हूँ 2 इज मल्टीप्लाई 7 टाइम्स, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा 2 को, आंसर आएगा मेरा 128। इफ आई मल्टीप्लाई 2 7 टाइम्स, आंसर केम आउट टू बी 128। नाउ इफ सिमिलरली आई विल राइट 7 रेज टू द पावर 2, विच मीन्स 7 इज मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, 7 इंटू 7 इज 49। अब 49 सिमिलरली और 128 सिमिलरली, आप कह सकते हैं 49 इज लेस देन 128 और 128 इज ग्रेटर देन 149। सिंस 129 इज ग्रेटर देन 9, सो वी कैन से 2 रेज टू द पावर इज ग्रेटर देन 7 रेज टू द पावर 2। सो इन क्वेश्चंस को हमको एक्सपेंड करना पड़ेगा जहां कंपैरिजन के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे वीडियोस जो हैं आपको मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।